अब मैं अपनी जो पहले वीडियोस है उसकी कंटिन्यूशन में ये फाइनल लाइफ मेंबर का बताता हूँ कि हमने कैसे करना है, इन्होंने क्या कर रखा था और हमने कैसे करना है और क्या क्राइटेरिया में हम फिट होते हैं। तो पहले तो मैंने एक बार 3 साल पहले इन्होंने बुलाया था, तो मेरे को जलंधर में मेरे को मीटिंग पर बुलाया था सुरजीत राय जी ने। उस मीटिंग में अरविंद अबरोल जी बैठे थे, शैली बैठा था और हैरी बैठा था। तो मैंने इनको बताया ये लोडा रिफॉर्म्स आ गए हैं, तो अब आपको ना ये सारे सिस्टम छोड़ के ना इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी ये क्या होते हैं, हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा ये किताबें हैं, ये पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो जी, आप बताओ क्या बनोगे, आपको जॉइंट से हमें पांडव साहब ने बोला हंडा को पटाओ और बोलो क्या बनेगा। मैंने कहा भैया मैं तो कुछ नहीं बनना। कहते नहीं नहीं आप जॉइंट सेक्रेटरी बनो, आप मेंबर बनो, अभी आपको मेंबर बनाते हैं। मैं कहा देखो भैया ऐसे नहीं है, मैंने इस 80 रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर जब मेंबर बनाओगे जो फॉर्मर है आज के रिकॉर्ड के हिसाब से 81वां मैं बनूंगा। तो उस समय अरविंद अबरोल और शैली ने बहुत अच्छे से मुस्करा के मेरे को बताया कि यार अच्छी बात कर रहा है तू, ये तो लोग तो सोचते झंडा जहाज में आता है, ये बातें करता है और चले जाता है। ये तो बात मैंने अपनी रख दी जब मेरे को इनको बना रहे थे। अब दूसरी बात मैं ये रख रहा हूँ, जब मनीष आज़ाद को और भूपिंदर सिंह सीनियर को जूनियर को बना रहे थे इनको भी सोचना चाहिए था। अब ये दो बातों में आप देखो क्या डिफरेंस है। तीसरी बात मैं ये कर रहा हूँ कि अब जब हमें BCCI ने, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, BCCI ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया, एक नोटिफिकेशन इशू किया, जो बंदा 10 मैच खेला है